हे एवरीवन, मेरे इस वाले वीडियो में मैंने ऐसे पांच इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया था जिसपे हर एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेनर को फोकस करना चाहिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए। और उन पांच चीजों में से एक इम्पॉर्टेंट चीज थी बिजनेस मॉडल। आप अपने बिजनेस के थ्रू कहां से पैसे अर्न करोगे, कितने पैसे अर्न करोगे और उस टोटल अर्निंग में आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ये सारी चीजें आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करती है। ऑथर गाय कावासाकी ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ द स्टार्ट 2.0 में ऐसे 7 इम्पोर्टेंट बिजनेस मॉडल डिस्कस किए हैं जिसकी हेल्प से कोई भी इंसान अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। इसलिए अगर आपका खुद का स्टार्टअप या बिजनेस है, लेकिन अगर आप स्पेशली अपने बिजनेस मॉडल को लेकर कंफ्यूज हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी mr.eus23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, इंडिविजुअल सॉल्यूशन मॉडल। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप हर एक इंडिविजुअल की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। इस टाइप के बिजनेस मॉडल में आप डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्टेड होते हो, जिसकी वजह से आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर पाते हो। सिर्फ एक अलग चीज जो इस मॉडल में है वो ये है कि आपको हर एक कस्टमर को इंडिविजुअली डील करना होता है, एक फ्रीलांसर की तरह। अगर बिजनेस के एग्जांपल दूं जो इस मॉडल में आते हैं, तो वो है अपने क्लाइंट के लिए लोगो डिजाइन करके देना, या फ्रीलांसर बनके कंटेंट क्रिएटर के लिए वीडियो एडिट करना, थंबनेल बनाना, कंटेंट लिखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 2, मल्टी कंपोनेंट मॉडल। इस बिजनेस मॉडल में बेसिकली आपके पास एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट का प्राइस वेरीज और डिफर करता है अलग अलग फैक्टर की वजह से। ये प्राइस वेरिएशन का फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ये आपका लोकेशन हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, टाइप एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इस बिजनेस मॉडल का सिंपल सा एग्जांपल दूं तो वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स। कोका कोला और पेप्सी के प्राइस आपको मॉल में अलग मिलेगी, थिएटर में अलग और जनरल स्टोर में अलग होती है। नंबर 3, मार्केट लीडर मॉडल। ये बिजनेस मॉडल को बेसिकली वो कंपनी बहुत ज्यादा प्रीफर करती है जो एक पर्टिकुलर मार्केट को लीड कर रही होती है उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट की वजह से। इस बिजनेस मॉडल में कंपनी रिस्क लेते रहती है मार्केट में नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। अब उनका न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में नया और प्रीमियम टाइप होता है और कोई भी उस टाइम उस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर नहीं होता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती है। एग्जाम्पल, एक टाइम था जब नोकिया मोबाइल मार्केट को लीड कर रहा होता था, लेकिन फिर एंड्रॉयड आया और जिसके बाद सैमसंग ने उसे ओवरटेक कर लिया। इवन आज के टाइम भी एप्पल मार्केट का लीडर है, लेकिन अब स्लोली स्लोली लिनोवो, डेल और एचपी जैसी कंपनी उसे कॉम्पीट करने लगी है। नंबर 4, वैल्यूएबल कंपोनेंट मॉडल। इस बिजनेस मॉडल में आपके पास एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करते हो। बेसिकली इस बिजनेस मॉडल में कंपनी अलग अलग कंपोनेंट्स टाइप प्रोडक्ट बिल्ड करती है जिसे वो दूसरी कंपनी को सेल करती है, सो दैट उन कंपोनेंट्स को वो अपनी टेक्नोलॉजी में यूज कर सके। इस बिजनेस मॉडल के 2 बेस्ट एग्जांपल कंपनीज है इंटेल और डॉल्बी डिजिटल। नंबर 5, स्विचबोर्ड मॉडल। ये मॉडल आपके बिजनेस के लिए एकदम बेस्ट है अगर आप 3 क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हो। पहला, आपके बिजनेस में डिमांड बहुत हाई है। दूसरा, आपके बिजनेस में सप्लाई भी बहुत हाई है। और तीसरा, आप अपने बिजनेस मार्केट के लीडर और डोमिनेटर हो। एक सिंपल सा एग्जांपल देके ये बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। आज के टाइम पे वॉलमार्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए दूसरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर वॉलमार्ट के पास जाते हैं सो दैट वो वहां से सस्ते में प्रोडक्ट खरीद के अपने कस्टमर को हाई प्राइस में बेच सके। नंबर 6, आफ्टर सेल मॉडल। फ्रेंकली कहूं तो ये वन ऑफ दोज बिजनेस मॉडल है जो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में देखने को मिलता है। बेसिकली इस बिजनेस मॉडल में आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट अर्न नहीं करते हो, बट प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी उसकी मंथली सर्विसेज के थ्रू आप उसे एक प्रोडक्ट से पैसे अर्न करते रहते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल कंपनी पैसे अर्न करती है अपनी सेल की हुई कार्स की मंथली सर्विसिंग करके। कॉफी मेकिंग कंपनी एनीवन सोडा मेकिंग कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है सोडा और कॉफी रिफिलिंग फिल्टर को चेंज करके। प्रिंटर कंपनी प्रॉफिट अर्न करते रहती है एक ही प्रिंटर के बार बार इंक ट्यूब को चेंज करके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 7, फ्रीमियम मॉडल। जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है और सबके पास इजीली एक्सेसिबल हो चुका है, तब से बहुत सी कंपनी एनीवन स्टार्टअप ये बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली इस बिजनेस मॉडल में कंपनीज अपना प्रोडक्ट फ्री में यूज करने देती है कस्टमर को फॉर सम बेसिक फीचर, लेकिन एडवांस फीचर के लिए वो फिर कस्टमर को चार्ज करती है इन फॉर्म ऑफ मंथली एंड ईयरली सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल, YouTube एक्स्ट्रा चार्ज करता है उनके लिसनर्स को एड फ्री म्यूजिक के लिए,
एंड सेम गोज विथ स्पॉटिफाई। गूगल इनिशियली 15 GB का फ्री स्पेस देता है ड्राइव पे, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो आपको फिर उसके लिए पे करना होता है। सो टू कंक्लूड, ये थे वो 7 पावरफुल बिजनेस मॉडल जिसकी हेल्प से बिजनेसमैन और एंटरप्रेनर अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये बातें मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक द आर्ट ऑफ द स्टार्ट 2.0 से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी ये इम्पोर्टेंट बिजनेस मॉडल को समझ सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको इसमें से कौन सा बिजनेस मॉडल इम्पैक्टफुल लगा और एज एन एंटरप्रेनर आप कौन सा बिजनेस मॉडल प्रिफर करोगे। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।